नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मारा सर मित्र पर। और आज का रेस्क्यू कॉल हमें गाजीपुर जिले के भुजंगवा गांव से, हम लोग मौके पर आ चुके हैं। चलिए चल के देखते हैं कहां पे और कौन सा सांप है। इन्होंने दो सांप एक साथ देखा है, नाग और नागिन का जोड़ा बताया जा रहा है। तो चलिए हम लोग चल के देखते हैं। एक यहां पे है, एक यहां पे है। एक उसके दरार में है। ये बहुत अलर्ट होकर पकड़ना ताकि कहीं और ना भाग जाए। उस हिसाब से समझ लीजिए उसको, जो भी करना तोड़ना पड़ेगा। एक नीचे वाला ताई घेरा गिले तुम तो हां ऊपर चढ़ जाकर ये आप। हां वही करूंगा, चिंता मत करिए। पहले लाख कर लो, ऊपर चढ़ जाओ। ले ले या स्टाइल गिरी ना, नहीं तो और करिए हमके लेके हम करे हो जाए। उतरे वाले इसका बोल ले। हाँ सही है, मैं ले रहा हूँ। पकड़ो भाई इसको, पकड़ो डंडा। शांत रहिए एकदम, आवाज मत करिए। और यहाँ पर हम लोगों ने पहले इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप को निकाल लिया है। अभी दूसरा बाकी है और उसी दरार में बहुत ही आराम से वैसे ही पड़ा है। तो हम लोग पहले इसको पैक करके सुरक्षित कर लेंगे, उसके बाद दूसरे सांप को भी बाहर निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे तरफ। वो तो पड़ा उसी जगह पे। क्या वा? इसको बाहर लेके चले। समझ रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर करेंगे सांप को। थोड़ा पीछे बस अभी ठीक है। बस एक मिनट, थोड़ा सा मुझे स्पेस दीजिए। एक कपड़ा लिया। हाँ ठीक। आराम से सीढ़ी पकड़ो, एक लोग सीढ़ी पकड़िए। नहीं सीढ़ी पकड़ने दे। पकड़ ले आराम से। शीशा ना माता जी, फोन है, रिकॉर्डिंग होती, वीडियो बनता, बाकी कुछ ना। ठीक है, जो फोन सबके पास होला। ऊपर से कवर करिए इसको, इसको ऊपर से कवर करिए। इसके मतलब बैग को उठा कर उल्टा डालिए इसके ऊपर। ऐसे नहीं, बैग में इसके ऊपर डालने के लिए बोला था, ऐसे नहीं जाएगा ये, बैग ही इसके ऊपर डालिए। जब होटल लेता तो उसके होटल पे बैग रखिए, चला जाएगा।
लीजिए फिलहाल, बंद करके इधर साइड में रख दीजिए। और यहाँ पर हम लोगों ने पहले इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप का रेस्क्यू कर लिया, अब हम लोग चलते हैं दूसरे सांप की तरफ, उसको भी बाहर निकालते हैं। हाँ, एक लोग सीढ़ी पे लगाइए, सीढ़ी पे लगाओ, जने क्यों जने लगाओ, बाहर नहीं गिर जाए तो सांप पकड़ते रह जाए, है ना भाई पे। और ये दूसरा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा पहले सांप की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है और बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है, खतरनाक के साथ साथ खूबसूरत भी है, जितना ज़्यादा खूबसूरत उतना ज़्यादा जहरीला भी है। तो हम लोग इसको भी बाहर निकाल लेंगे और दोनों सांपों को एक साथ पैक कर लेंगे और ले जा करके इनके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर देंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। किंग कोबरा की तरह इसका हुड है, देख रहे हैं लंबे में, ये तो मुझे लग रहा मेल ही है, मेल है, लेकिन इसका हुड का स्टाइल पैटर्न देखो एकदम किंग कोबरा की तरह। हम लोग सांपों को ऐसे पकड़ते हैं, सांपों को इस तरह से ट्रीट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास पूरा पूरा प्रशिक्षण होता है तथा पूरा अध्ययन व काफ़ी सालों का अनुभव भी होता है। अतः आप लोगों से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस रेस्क्यू को देख रहे हैं, से रिक्वेस्ट है कि कृपया इसको दोहराने की या फिर सांपों को पकड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप लोग बिना जानकारी के बिना प्रशिक्षण के सांपों को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती, इसलिए इसको देख करके दोहराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। हम लोग इसको भी बाहर की तरफ लेके चलेंगे और दोनों सांपों को साथ में पैक करके जंगल में रिलीज कर देंगे। जूता हमारे में पहन लेगा, सीढ़ी पकड़े रहना भाई, डरना मत भाई, सीढ़ी पकड़े, सीढ़ी पकड़े रहिए, अरे डरिए मत भाई, मैं हूँ ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। एकदम नहीं डरो भाई, कोई कुछ नहीं होना तुमको, ठीक है, अब जाओ, अरे नहीं बच गया, यहाँ पर हमने दूसरे सांप को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया, अब दोनों सांपों को साथ में पैक कर लेंगे, क्योंकि हो ये दोनों मेल फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग दोनों को साथ में, हम लोगों ने निकाला है तो साथ में पैक भी करेंगे और साथ में रिलीज भी करेंगे। बाइक बंद करिए, बाइक बंद करिए भैया, बाइक बंद करिए।
पहले साहब को पैक करने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगा, देखते हैं ये भी ज़्यादा वक्त लेता है या फिर जल्दी से बैग के अंदर चला जाता है। तो जब तक ये नहीं जाएगा खुद ब खुद हम लोग इसको बैग के अंदर रखने के लिए प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि हमारे थोड़ी सी समय देने से अगर ये बिना किसी तकलीफ के आसानी से बैग के अंदर चला जाता है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और इसने हमारा ज़्यादा समय नहीं गवाया और ये बैग के अंदर चला गया। दोनों साहबों को हम लोग साथ में पैक कर लेंगे क्योंकि दोनों साथ में ही थे और साथ में ही ले जाकर के जंगल में रिलीज कर देंगे। हमारे वीडियोस, हमारा काम आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पर हम लोग जंगल में आ चुके हैं दोनों साहबों को रिलीज करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं दोनों साहबों को हम लोगों ने रिलीज कर दिया और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं दोनों साहब, अटैक भी कर रहे हैं। एक तो एकदम से पीछे ही पड़ गया है, ऐसा लग रहा है कि काट लेना चाहता है लेकिन असल में अपना बचाव कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। तो एक सांप चला गया जंगल की तरफ, दूसरे सांप को भी हम लोग उधर ही छोड़ देंगे ताकि दोनों साथ में चले जाएं और दोनों सांप सेम दिशा में चले गए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।